हमारे कुछ बिंदुओं पे, जो हमारे निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जो तय किए गए, अगर उन पे जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं होता है तो हम सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। धामी सरकार और उनके पर्यटन विभाग के अधिकारियों पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाते ये हैं देवी गोदियाल। देवी गोदियाल मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इस समय बेहद नाराज हैं। नाराजगी की वजह है मसूरी में होम स्टे के लिए लाइसेंस का रिन्यू न होना और न ही नए लाइसेंस का जारी होना। देवी गोदियाल इसके लिए सीधे पर्यटन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार पर्यटन के विकास के दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन मसूरी जैसी अहम टूरिस्ट सिटी पर उसका ध्यान नहीं है। होम स्टे योजना उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाई थी और मसूरी के अंदर होम स्टे बेरोजगार लोगों ने होम स्टे खोले और होम स्टे चला रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जो नीचे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर रिन्यूअल होते हैं, 2 साल बाद लाइसेंस रिन्यू होते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं और नए जो होम स्टे हैं उनके लाइसेंस नवीनीकरण का उनका भी नहीं हो पा रहा है, न तो नए होम स्टे बन पा रहे हैं। और सरकार की इस योजना को सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से इसको लाभान्वित होने के लिए लोगों को बेरोजगार के लिए सरकार ने ये लागू की, परंतु जो क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय है वहाँ की उनकी लापरवाही की वजह से तमाम लोगों में रोष है। दरअसल मसूरी जैसे पर्यटकों से भरे रहने वाले शहरों के साथ साथ पूरे प्रदेश में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए धामी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की थी। इनमें होम स्टे योजना भी शामिल थी जिसके तहत पर्यटकों के लिए महंगे होटलों की जगह सस्ते होम स्टे की व्यवस्थाएं की गई थी। मकसद यही था कि पर्यटकों को कम खर्च में बेहतर सुविधाएं मिलें और जिनके पास काम नहीं है या जिनकी आजीविका कोरोना काल में छिन गई उन्हें रोजगार मिल सके। होम स्टे योजना शुरू की गई और सफल भी हुई लेकिन आरोप है कि इसके बाद होम स्टे योजना पर गंभीरता से उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जैसा कि देना चाहिए था। बैठक में यही तय हुआ है कि अगर हमारे कुछ बिंदुओं पे, जो हमारे निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जो तय किए गए, अगर उन पे जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं होता है तो हम सरकार के खिलाफ जो है फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या क्या बिंदु और क्या क्या मांग का? हमारा ये था, पहले से ही लंबे समय से चल रहा है कि एक तो लाइसेंस जो है 5 वर्ष के लिए होना चाहिए और एक जो है होटल की जो 6 कमरे से बढ़ करके 8 कमरे होने चाहिए। सरकार ने एक बार 8 कमरे का किया भी था परंतु अभी तक वो हो नहीं पाया। नंबर 2, जो यहाँ पर होम स्टे जो बेरोजगारों के लिए जो होम स्टे योजना है उसमें जो है उनको निर्माण की और नवीन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा। मसूरी में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है, पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है, ऐसे में मसूरी के होटलों के दाम भी बढ़ चुके हैं। पर्यटकों के लिए होम स्टे की व्यवस्था होटल से काफी सस्ती पड़ती है लेकिन अब तक बहुत सारे होम स्टे संचालकों के लाइसेंस ना तो रिन्यू हुए हैं ना ही नए लाइसेंस दिए गए हैं, ऐसे में होम स्टे संचालकों को भारी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा होम स्टे योजना को लाया गया था कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, पहाड़ से पलायन रुक सके और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो सके और उसको लेकर लगातार पुष्कर सिंह धामी की सरकार अधिकारियों को निर्देशित करने का काम कर रही है कि जो पहाड़ की शैली है, पहाड़ के लोग हैं, उनको होम स्टे योजना का लाभ दिया जा सके। इसको लेकर गांव-गांव में सब्सिडी अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं, परंतु अगर पहाड़ों की रानी मसूरी की बात करी जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग के अधिकारी इस योजना पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मसूरी में करीब 200 से ज़्यादा होम स्टे हैं जिनके लाइसेंस, कईयों के लाइसेंस यहाँ पर रिन्यू नहीं हुए हैं, नए लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं जिससे होम स्टे संचालक काफ़ी परेशान है और ऐसे में हम कुछ होम स्टे संचालक के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं देवी गोदियाल उनसे बात कर लेंगे किस प्रकार की दिक्कत आप लोगों को आ रही है। होम स्टे संचालन में उत्तराखंड के अंदर तमाम बेरोजगारों के लिए ये स्कीम बनाई गई थी और सरकार का उद्देश्य ये था कि स्थानीय जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए होम स्टे के माध्यम से इस योजना को चलाया जाए, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि होम स्टे स्वामियों के लिए न तो कोई ट्रेनिंग दी जाती है न इसको इनका कोई लाभ मिल पा रहा है और लगातार 1 साल से जो होम स्टे वाले जो मालिक हैं उनको जो है रिन्यूअल में दिक्कत आ रही है, नए लाइसेंस में दिक्कत आ रही है और पार्किंग में दिक्कत आ रही है। इन तमाम विषयों को लेकर के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के साथ एक बैठक हुई थी और बैठक में ये कहा गया था कि तुरंत जो है 1 माह के भीतर ये समस्या का समाधान किया जाएगा, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक यात्रा सीजन सिर पर है
और पर्यटन विभाग इतनी लापरवाही बरत रहा है इसमें कि मुझे तो लग रहा है कि सरकार की जो योजना थी, जो मंशा थी बेरोजगारों को लाभ देने की, वो नहीं हो पा रही है, पर नहीं आ पाई है। कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है और यही माना जा रहा है कि जो अधिकारी है वो होम स्टे संचालकों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, नए लाइसेंस नहीं भर पा। हमारे साथ महिपाल हैं, आप खुद होम स्टे चलाते हैं, वर्तमान में क्या दिक्कतें आ रही हैं? मान्यवर जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमने पर्यटक अधिकारी जी के साथ भी एक बार मीटिंग की, मसूरी में ही बुलाया उनको। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर आपके जो जिन बिंदुओं पे भी आपके जो जो आपने हमें ज्ञापन दिया है उस पे जो है खरा उतरेंगे। लेकिन मान्यवर जी, मुझे नहीं लगता कि जो नौटियाल जी वहाँ पे पर्यटक विभाग के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी होने के नाते भी उन्होंने जो हमसे कहा था आज तक वो काम नहीं हो पाया है। आज इतनी परेशानियाँ हो रही है कि सीज़न सर पे है सर, हम लोग खुद स्वयं चलाते हैं, बाहरी लोगों के तो लाइसेंस बन जाते हैं, चाहे वो 2,000 दें चाहे 10,000 दें, और जो हम भागा दौड़ी कर रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। और जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया है कि हमने सतपाल महाराज जी को भी ज्ञापन दिया था कि हमारे जो है 6 से 8 कमरे किए जाएं और 600 से 800 रुपये उसका रेट किया जाए, जो इतना नॉर्मल रेट रखा हुआ है उन्होंने। तो सर, इन चीज़ों पे जो है बिल्कुल भी जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं खरे नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल सरकार जो हमें एक बेरोजगार को रोजगार देने के लिए सोच रही है, ऐसे में जो है वो मुझे लग रहा है कि पलीता लगाने वाला काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। होम स्टे संचालक लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उनके लाइसेंस को रिन्यू किया जाए। जो सरकार की तरफ से योजनाएं होम स्टे योजना को मिलती है उस योजना का लाभ यहाँ मिल सके, परंतु मसूरी में ऐसा नहीं। हमारे साथ देवचंद कुमाई हैं, आप खुद होम स्टे चलाते हैं, क्या मानते हैं? लगातार आप अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं परंतु लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, नई लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं। जी, कुछ लोगों के अभी नवीनीकरण का है तो उनका भी नहीं हो पाया और रजिस्ट्रेशन वालों का भी नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा कोई जवाब है, डिपार्टमेंट के पास है नहीं। अब किसी को कहते हैं कि पार्किंग नहीं है, किसी को कहते हैं कि आपके कमरे ज़्यादा हैं, है ना, किसी को कहते हैं आप रेट ज़्यादा लेते हैं। तो कुछ तो मतलब एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि भाई इस बेस पे हम नहीं कर रहे हैं। 4-4 महीने से 5-5 महीने से अभी नवीनीकरण नहीं हुआ है, आप स्पष्ट कहिए क्यों नहीं हो रहा। क्या कहीं ना कहीं मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही है और यहाँ पर मसूरी होम स्टे एसोसिएशन द्वारा भी रणनीति बनाई जा रही है कि जल्द वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं को गिनवाने का काम करेंगे। परंतु सवाल उठता है कि जिस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सरकार चल रही है, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ साथ स्वरोजगार से जोड़ने की बात कर रही है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के लिए है, पलायन को रोकने के लिए इस योजना का लाभ यहाँ पर गाँव को दिया जा रहा है, परंतु जो मसूरी है वहाँ पर लोग परेशान हैं, होम स्टे संचालक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और अब उनके लाइसेंस रिन्यू के साथ नए लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, श्रेष्ठ उत्तराखंड, मसूरी। टूरिस्ट सिटी मसूरी में होम स्टे का ये मुद्दा वाकई बड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में जो लोग पहाड़ छोड़कर चले गए थे उन्हें वापस लाने के लिए स्थानीय स्तर पर कामकाज के अवसर दिलाने की बात कही गई थी। धामी सरकार ने मास्टर प्लान बनाया था, होम स्टे जैसी योजनाएं लाए, 100% अनुदान देने की बात कही। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष देवी गोदियाल अब पूछ रहे हैं कि सारे सरकारी दावे आखिर कहां गए। पहले से ये मांग भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो होम स्टे के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडीज की जो धनराशि है उसको उस पर भी जो है मसूरी जैसे शहर में भी लागू होनी चाहिए। होम स्टे योजना ने कई लोगों को बड़ा सहारा दिया है, जो इसके तहत 5 से 6 कमरों वाली छोटी जगह पर भी पर्यटकों के लिए सुविधाओं का इंतजाम करते हैं। और नए लाइसेंस न बन पाना वाकई सवाल उठाता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है या फिर कुछ अधिकारी इस योजना को बट्टा लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो सरकार को न सिर्फ इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए बल्कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए मसूरी से संवाददाता सुनील सोनकर की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।